नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन देख रहे हैं आप। सुपर फास्ट छत्तीसगढ़ खबरों का रुख करेंगे। सीएम साहब ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पिछली भूपेश बघेल सरकार की पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम साहब ने लिखा कि मुझे आश्चर्य है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर नहीं बनने दिया जो गरीबों के लिए बनाया जाना था। केंद्र ने पैसा भेजा लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का हिस्सा जारी नहीं किया, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ और इसे वापस भेज दिया गया। उन्होंने हजारों गरीबों को घर से वंचित रखने का पाप किया है। और इधर मामले को लेकर भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार पर बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है। हमने पहली किश्त में 7 लोगों को और फिर 47,000 लोगों को आवास दिया। बघेल ने कहा कि बीजेपी मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रही है, मेरी सरकार ने एक भी घर नहीं बनाए, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र पर आवास के पैसे के को रोकने का आरोप भी लगा दिया। तो अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि भूपेश बघेल सरकार ने एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाया, जबकि दूसरी तरफ भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 47,000 से ज्यादा मकान गरीबों को सौंपे हैं। तो अब प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी सियासत शुरू हो गई है। दरअसल पिछली 5 साल कांग्रेस की सरकार में बीजेपी आरोप लगा रही कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी मकान नहीं बनाया, एक भी मकान गरीबों को सुपुर्द नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ भूपेश बघेल का यह दावा है कि 47,000 मकान उन्होंने गरीबों को सौंपे हैं, इससे ज्यादा मकान गरीबों को दिए हैं, जबकि वो आरोप भी लगा रहे हैं कि केंद्र की तरफ से इस योजना का पैसा रोक लिया गया था और इस वजह से और मकान नहीं बन पाए। ये आरोप भी भूपेश बघेल लगा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों के लिए आवास दिए जाते हैं ग्रामीण और शहरी, इन दोनों योजना के तहत जो आवास बनाए जाते हैं उसको लेकर अब सियासत जारी है। वार पलटवार हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास गरीबों को नहीं दिया गया, तो दूसरी तरफ बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं भूपेश बघेल। और साथ ही बीजेपी पर झूठा आरोप लगाने का आरोप भी उन्होंने लगा दिया। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में घर बनाए जाते हैं ग्रामीण और शहरी, और इसमें एक बड़ा हिस्सा केंद्र का होता है और एक हिस्सा राज्य सरकार भी देती है। लेकिन बीजेपी सरकार का आरोप है कि राज्य का हिस्सा भूपेश बघेल सरकार ने नहीं दिया और इस वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं वो नहीं बन पाए और इसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ा। जबकि भूपेश बघेल कहते हैं कि 47,000 से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने बनाकर दिए हैं आम जनता को। और युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से। युगल, ये वाकई आरोप प्रत्यारोप बड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पहले भी सियासत का केंद्र रही है लेकिन आरोप और प्रत्यारोपों में दम कितना है, हकीकत क्या है युगल? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जब चुनाव का वक्त था उससे पहले ही गरीबों के छत छीनने का, आवास छीनने का लगातार जो आरोप है वो जो बीजेपी लगाती रही है। लेकिन उसके उलट अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये कहती रही है कि केंद्र सरकार यहाँ की जो राशि है छत्तीसगढ़ के जो जो आम जनता के लिए जो पैसे देना था वो नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है प्रशांत कि आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लगातार चलता रहा है। और अब जिस तरह से जो यहाँ पर जवाबी हमला बोला गया है कि कहा गया है कि झूठ बोल रहे हैं, तो ये सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि वास्तव में अगर आप जमीनी हकीकत पर देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास को लेकर के कई दिक्कतें हैं, जिनको आवास मिलना था वो मिल नहीं पा रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ पर राजनीति है वो जमकर हो रही है। हालांकि अब टारगेट दिए गए हैं प्रधानमंत्री आवास
आश्वासन भी दिया गया है कि गरीब हैं, उनका छत, उनके सर से छत का साया है, वो नहीं छीना जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप प्रधानमंत्री आवास को लेकर के लगातार होते रहे हैं, और यही वजह है कि चुनाव में उसका परिणाम भी देखने को मिला। जी प्रशांत, शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और बात रायपुर की, रायपुर महापौर एसएसपी ऑफिस पहुंचे जहां उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी है। उन्होंने एसएसपी से कहा है कि मैं बहुत आहत हूं, अगर इसमें आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, आपके नाम की चिट्ठी लिखकर जाऊंगा, जिसके जवाबदार आप होंगे। और वहीं एजाज ढेवर की इस बात पर एसएसपी ने कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा, आपको क्या करना है कि आप डिसाइड करेंगे, कानून अपने हिसाब से ही काम करेगा। ढेवर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस कानून व्यवस्था पर राजधानी में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया था, और प्रदर्शन के दौरान एजाज ढेवर पर पुलिस से अभद्रता करने के आरोप लगे थे। उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिस पर पुलिस ने महापौर के खिलाफ मामला दर्ज किया था, और इसी को लेकर महापौर एजाज ढेवर आज कांग्रेस नेताओं के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे। उसके जवाबदार फिर आपके नाम में चिट्ठी लिख के जाऊं, क्योंकि एसपी साहब एक बात करो, मेरे ऊपर कभी तक गंभीर आरोप नहीं लगा। क्या करना है ये आप डिसाइड करें। मेरे ऊपर कभी गंभीर आरोप नहीं लगा। हम आपको बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, हम तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि 20,000 लोगों पर एफआईआर। मेरा निवेदन आपसे इसमें मतलब मैं बहुत आहत हूँ, या तो फिर मैं आत्महत्या कर लूंगा, उसके जवाबदार फिर। और अब खबर कोंडा गांव से है, जहां सोलर लाइट फर्जीवाड़े में कांग्रेस नेता गजेंद्र राठौर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने जनपद पंचायत कर्मचारी इंद्र कुमार ध्रुव को भी अरेस्ट किया है। दोनों के मोबाइल और सीपीयू को बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि सोलर लाइट खरीद गड़बड़ी का मामला विधानसभा में उठा था। विधायक लता सैंडी ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। इसको लेकर 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि माकड़ी जनपद पंचायत में फर्जी आदेश निकालकर सोलर लाइट खरीदी हुई थी। गजेंद्र राठौर, नेहा जैन और वरिष्ठ लेखा अधिकारी इंद्र कुमार ध्रुव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इधर बलरामपुर के सामरी थाने इलाके से बॉक्साइड माइंस में आग लगने का आरोपी एक नक्सली गिरफ्तार किया गया। इस पर टाटी झारिया की माइंस में 4 और 13 जुलाई को आगजनी का आरोप है। अरेस्ट नक्सली झारखंड के लातेहार में नक्सली संगठन जेजेएमपी पप्पू लहरा संगठन का एरिया कमांडर है, और पुलिस ने इसके कब्जे से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, नक्सली लेटर पैड बरामद किया है। और बड़ी खबर है, रायपुर में ठगी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरेस्ट हुआ है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का आरोप है इस इंजीनियर पर। आरोपियों के खिलाफ 80 थानों में एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 10 कार भी बरामद की गई हैं, 4 मोबाइल, लैपटॉप, 7 डेबिट कार्ड भी बरामद हुए, 8 लाख रुपए बैंक खाते में होल्ड कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, और दरअसल ठगी का यह मामला है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस ठगी के मामले में अरेस्ट हुआ है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर बताया जा रहा है कि ये लोग ठगी किया करते थे। आरोपियों के खिलाफ अभी 80 थानों में एफआईआर दर्ज है। और जगदलपुर में पुलिस ने फर्जी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा, बता दें कि ये शातिर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में अधिक पैसे कमाने का एड सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। इसके झांसे में आने वाले लोगों को लालच देकर ये निवेश कराते थे, और इस गिरोह ने लोगों से 28 लाख रुपए ठगे। आरोपियों से पुलिस ने 8 मोबाइल, 3 स्वाइप मशीन, 2 स्कैनर और कई पासबुक क्रेडिट कार्ड बरामद किए।
नगर नार थाना क्षेत्र में प्रार्थी अजीत सिंह ठाकुर के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि उनको शेयर ट्रेडिंग के नाम पे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आया था। उन्होंने ऐप डाउनलोड किया ICICI सिक्योरिटी के नाम से और उस पर अलग अलग करके अमाउंट्स उन्होंने डाले शेयर ट्रेडिंग के नाम से और लगभग 28 लाख रुपए की रकम उन्होंने उस शेयर ट्रेडिंग